शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम और आज मैंने आपके लिए लिया है अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत शिक्षक दिवस, जो कि अभी हमने 2 दिन पहले ही मनाया था। ठीक है, तो चलिए, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अहम एवं पवित्र हिस्सा है। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि प्रथम गुरु हमारी माता और पिता ही हैं। ठीक है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक महान शिक्षाविद थे, उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। अध्यापन मतलब बच्चों पढ़ाना, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर रहे हों, चाहे उन्होंने कुछ भी काम किया हो, लेकिन अध्यापन यानी पढ़ाना उन्हें बहुत प्रिय था। इसीलिए उनके जन्मदिन को हमने शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया है। इस दिन भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। बच्चों, ठीक ऐसे ही जैसे 26 जनवरी पर कुछ बच्चों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, वैसे ही शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शिक्षकों को भारतीय सरकार सम्मानित करती है। इस दिन स्कूल कॉलेज में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको पता है, हर साल आप पिछले 4 साल आपको हो गया स्कूल में, और आपको याद होगा कि शिक्षक दिवस के दिन कितनी धूम रहती थी। हर बच्चे ने अपनी क्लास को डेकोरेट करना, बैलून से सजाना, टीचर्स को बुलाना, स्टेज पर टीचर्स बच्चे शिक्षकों का रोल करते हैं, उनका टाइम टेबल लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो ये दिन शिक्षकों को सम्मान का दिन है। छात्र अनेक तरह से शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। आज शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक शिक्षक ही छात्र के चरित्र का निर्माण करके उसे नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपको पता है बच्चों, अगर शिक्षक की ज़रूरत ही ना हो तो बच्चा घर में ही रहे। देखो, आजकल आप घर में हैं ना, और पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतनी बातें कौन समझाएगा आपको? मम्मी पापा की बातें सुनना हर समय आपको शायद पसंद आता भी है, नहीं भी आता है, लेकिन शिक्षक जब आपको पढ़ाते हैं तो वो जो टॉपिक लेते हैं उसके साथ साथ न जाने आपको जीवन मूल्यों से संबंधित कितनी बातें आपको समझाते हैं, और आपको हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप अच्छे रास्ते पर चलें। क्या अच्छा क्या बुरा, जब आप गलती करते हो तो आपको डांट पड़ती है, और हम टीचर्स आपको अच्छा बनाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब तो आपको बनना ही है। कुछ भी आप बनेंगे वो आपका अपना है एक, लेकिन हम चाहते हैं कि आप समाज में एक अच्छा अपना रोल निभाएं आगे जा कर के, और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। इसके लिए आपको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सच ही कहा है। क्या कहा है? जो बनाए हमें सच्चा और अच्छा इंसान, दे सही और गलत की पहचान, उन सभी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मैं भी कहती हूँ, मुझे भी अपने शिक्षक याद आते हैं, और मैं हर शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों को नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान बढ़ाइए, है ना, और आगे बढ़िए जीवन में। हर शिक्षक का आप बच्चों के लिए आशीर्वाद है। आप जीवन में खूब प्रगति करें, खूब तरक्की करें, और बहुत अच्छे इंसान भी बने। तो चलिए बच्चों, आज का काम आपका इतना ही।